दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हमारे प्लांट में फूल तो आते हैं लेकिन उसका साइज छोटा का छोटा रहता है, कलियां ठीक से नहीं बनती है, कलियां बन भी रही होती है तो खिलने के पहले ही वो झड़कर गिर जाती है, पत्ते पीले पड़ने लगते हैं, पौधा बिल्कुल बेजान सा होता जाता है। वो इसलिए होता है क्योंकि पौधे में बहुत ज़्यादा कैल्शियम की कमी हो जाती है। कैल्शियम की कमी से पौधा जो है वो बेजान सा होता है, फ्लावरिंग ठीक से नहीं करता है, साइज और कलर ठीक से नहीं आता है उसका। दोस्तों, आप नर्सरी के प्लांट को देखते होंगे, जब आप खरीदने जाते हैं उनका एक भी ऐसा प्लांट नहीं होता है कि जिसमें फ्लावर ना आए, जिसकी पत्तियां ग्रीन ना हो। सभी प्लांट बिल्कुल अच्छे रहते हैं, तंदुरुस्त रहते हैं, फ्लावरिंग आ रही होती है, कलियां बन रही होती और पत्ते भी पीले नहीं पड़ रहे होते, क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा केमिकल वाले फर्टिलाइज़र अपने प्लांट में यूज़ करते हैं जो कि प्लांट को धीरे धीरे ख़राब करता है। लेकिन उनको बेचना रहता है, उनको दर्शकों का आकर्षण बढ़ाना रहता है, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा रसायन खाद यूज़ करते हैं अपने प्लांट में। लेकिन दोस्तों, उसके सब्स्टिट्यूट में हम होममेड फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं जिससे हमारा प्लांट जो है अच्छा रहेगा, फ्लावर का साइज भी अच्छा आएगा। वो है एग सेल होता है, उसका पाउडर। एग सेल में बहुत अच्छी कैल्शियम और प्रोटीन की मात्रा होती है। इसे कुछ नहीं करना है, बस इसे धूप में एक दिन के लिए सुखा लेना है, उसके बाद मिक्सी ग्राइंडर में इसे ग्राइंड कर लेना है। और अगर आप मिक्सी में एग सेल को नहीं पीसना चाहते हो तो आप इसे दो दिन के लिए पानी में डाल करके छोड़ दें इसके सेल को, और उसके बाद इन छिलकों को निकाल करके उस पानी को पौधे में डाल दें, वो भी वही रिएक्शन देगा जो कि ये सूखा वाला पाउडर देगा। आप स्प्रे भी कर सकते हो इसका। तो इसे मैं कैसे यूज़ कर रही हूँ, मिट्टी में पहले से नमी होनी चाहिए, और मिट्टी में अगर कीड़े मकौड़े लग रहे हैं तो मिट्टी को एक दिन के लिए धूप में सुखा दीजिए। सुखाने के बाद फिर मिट्टी को दोबारा डाल दीजिए गोबर की खाद को मिला करके। ये तरीका होता है पौधे से कीड़ों को हटाने का, और आगे भी मैं आपको तरीका बताऊंगी कि पौधे से कीड़ों को कैसे हटाना है। तो अभी फिलहाल मैं एक चम्मच के जैसा यहाँ पे एग सेल का पाउडर यूज़ कर रही हूँ, इससे पौधा तंदुरुस्त रहता है। इसे अब अगर आप महीना में एक बार यूज़ करते हैं तो पौधे में कभी भी खराबी नहीं आएगी, कलियाँ बनती रहेगी, साइज भी अच्छा आएगा, कलर भी उभर कर आएगा। तो ये तरीका होता है पौधे से कैल्शियम को दूर करने का। तो ये चीज़ आप कब यूज़ कर सकते हैं, ये चीज़ मैं शाम को डाल रही हूँ दोस्तों। शाम सुबह आप कभी भी डालिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये एक नेचुरल और होममेड फर्टिलाइज़र है। इसके बाद पौधे में पानी ज़रूर दीजिए, क्योंकि कोई भी फर्टिलाइज़र देने के बाद एक बार पानी स्प्रिंकल करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इस तरीके से मैं सारे प्लांट में अपने पानी दे रही हूँ, सब में मैंने एक एक चम्मच एक्सेल डाल दिया है मिट्टी की गुड़ाई करने के बाद। इसके बजाय आप थोड़ा सा चूना भी यूज़ कर सकते हैं पौधे से कैल्शियम को दूर करने का। पान की दुकान से आप चूना ला करके आइए, उसके बाद उसे पानी में घोल करके 2-3 मिनट में उस पानी को पौधे में डाल दीजिए, उससे भी कैल्शियम की कमी को पूरा किया जाता है। मैंने पहले से चैनल में अपलोड किया है कि आप चूना को घर पर क्यूक्लाइन को कैसे यूज़ कर सकते हैं, आप जानना है तो जाके मेरे चैनल में आप देख सकते हैं। और दूसरा तरीका है दोस्तों, जो लोग मांसाहारी चीज़ यूज़ नहीं करना चाहते अपने पौधे में, तो आप यूज़ कर सकते हैं इसमें नीम खल्ली या फिर सरसों खल्ली। नीम खल्ली ज़्यादा अच्छा होता है क्योंकि पौधे से कीड़ों को भी भगाने में हेल्प करता है, और सरसों खल्ली भी अच्छा होता है। लेकिन गर्मियों में हमें यूज़ कम करना चाहिए सरसों खल्ली का, क्योंकि वो पहले से बहुत ज़्यादा गर्म होता है। तो मैं इसमें अभी नीम खल्ली यूज़ कर रही हूँ। नीम खल्ली का पाउडर इस तरीके का कुछ आता है, मार्केट में ईजिली अवेलेबल है। ये नीम खल्ली जो है ये बहुत अच्छा होता है पौधे के लिए, कीड़ों को दूर करता है, प्लस इसमें बहुत अच्छी मात्रा में कैल्शियम होती है, प्रोटीन होती है, फॉस्फोरस, आयरन, जिंक होता है, जिसके कारण पौधे में बहुत सारी कमी को दूर किया जाता है। तो एक चम्मच मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। मैं शाम के टाइम रिकॉर्ड कर रही हूँ इसीलिए ग्रीन टाइप की थोड़ी स्क्रीन आ रही है। तो यहाँ पे मैंने एक चम्मच यूज़ किया है नीम कल्ली का पाउडर, पहले से गुड़ाई करके इसमें मिट्टी में अच्छे से मिला दिया, उसके बाद इसमें हल्के से पानी स्प्रिंकल कर दिया। तो दोस्तों, ये तरीका होता है पौधे की केयर करने का बिल्कुल नेचुरल तरीके से। तो मैं इसी तरीके से अपने पौधे की केयर करती हूँ, मेरा पौधा बिल्कुल भी मरता नहीं है और सालों साल चलता रहता है। सभी पौधे बिल्कुल अच्छे रहते हैं, मोगरा, गुलाब, गेंदा, तुलसी, मेरे सारे प्लांट बिल्कुल हरे भरे हैं। तो दोस्तों, जानकारी कैसी लगी,
अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए आए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर ज़रूर प्रेस कर दीजिए। मैं इसी तरीके से होममेड यूज़ करती हूँ अपने पौधे में और डेली अच्छी अच्छी कंटेंट वाली वीडियोस भी अपलोड करती हूँ। अगर आप मेरे वीडियोस नहीं देखते हैं तो डेली देखिए, बीच बीच में आप चेक करते रहिए कि पौधे में कहीं कीड़े तो नहीं लग रहे हैं, क्योंकि पौधे की पत्तियाँ अगर बहुत ज़्यादा घनी होती है तो छोटे छोटे कीड़े पनप जाते हैं जो पौधे को ख़राब कर देते हैं। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए।